नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जनवरी 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट में बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती, बड़ी खुशखबरी, और दोस्तों 2019 बैच के लिए बड़ी खबर है। देखिए दोस्तों, रीट 2021 क्या आपको आवेदन का मौका मिलेगा या नहीं, इसकी अपडेट को देखेंगे। प्रथम तृतीय सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 3 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट मुद्दे पर भी धरना है और रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए भी धरना होना है। और आपको बता दें 3 जनवरी 2022 को नई शिक्षक भर्ती के लिए भी महाधरना होने वाला है। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को आपके सामने रखेंगे और आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, अब 2022 हमारा आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, ढेर सारी उम्मीदें होंगी कि इस साल हमें हर हालत में 2022 में नौकरी लेनी है। तो दोस्तों, क्या नौकरी आएगी? पहला सवाल तो यहाँ पर यही होगा, क्योंकि आपको बता दें 2019 में कोई नौकरी नहीं निकल के आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। 2020 का साल खराब चला गया। 2021 में भी दोस्तों कोई नौकरी देखने को नहीं मिली। अब दोस्तों फाइनली हम 2022 में आ चुके हैं। तो गाइस, इस साल ढेर सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए अब बहुत ही जल्द आचार संहिता लागू की जा सकती है। और देखिए गाइस, अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आता तो कुल यही मान के चलिए भैया, फिर तो विज्ञापन आ भी नहीं पाएगा। राजस्थान सरकार का दोस्तों बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिला। ये दोस्तों आप देख सकते हैं प्रेस नोट। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों शिक्षक भर्ती के बारे में सब कुछ बताया गया और टोटल 32,000 पदों पर यहाँ पर आवेदन होना है। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक एक करके दोस्तों पूरी अपडेट को हम देखेंगे। और आवेदन का शुल्क दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो कितना रुपया यहाँ पर लग रहा है। बाकी यूपी में जो शिक्षक भर्ती का फॉर्म आता है उसका भी रेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। कोरोना के केसेस हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे देखिए दिक्कत क्या आ सकती है। अभी हमारा यूपी टेट का पेपर 23 जनवरी को होने वाला है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कोरोना के मामले देख सकते हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान शिक्षक भर्ती की पूरी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज के हम सारी अपडेट को आपके सामने रखेंगे। फिलहाल दोस्तों बता दें, राजस्थान में वैकेंसी निकल कर आ रही है, और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है देखिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 अभ्यर्थी मामला से जुड़े प्रशिक्षुओं ने भर्ती के लिए भाजपा कार्यालय का किया घेराव। एक तरफ दोस्तों राजस्थान में नौकरी निकल कर आ रही है, और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है गाइस, कि बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं आ रही, ठीक है। और आपको बता दें 17,000 पदों पर विज्ञापन की बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक दोस्तों 17,000 पदों वाली वैकेंसी भी सामने नहीं आ पाई। सिर्फ दोस्तों बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हाँ एक बात अच्छी रहेगी कि इस साल आपको वैकेंसी देखने को 100% मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा चलो हम 17,000 पदों पर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखिए पद आएंगे। हमारी दोस्तों मांग है 97,000 पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए। देखिए बाकी 3 सालों को हमने दोस्तों आपके सामने लेखा जोखा रख दिया कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई, 2020 बेकार चला गया बच्चों का, 2021 में कोई वैकेंसी नहीं आई। सोचिए 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो अगर अब 2022 में वैकेंसी आएगी तो ये बड़ी खुशखबरी होगी आप सभी छात्रों के लिए, और सबसे बड़ी खुशखबरी होगी 2019 बैच के छात्रों के लिए, क्योंकि दोस्तों आप में कोई भी ईयर गैप नहीं रहेगा, तो मतलब आपकी जो पढ़ाई रहेगी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और आपका सिलेक्शन भी देखिएगा ज़्यादा होगा 2018 और 2017 बैच के कंपेयर में। अब दोस्तों बात करेंगे 2019 बैच के छात्रों को मौका कब मिलेगा। देखिए गाइस, आपको नए शिक्षक भर्ती में मौका तब मिलेगा जब हमारा प्रमोट का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अभी आपको बता दें कौन कौन से रिजल्ट रुके पड़े हैं। तो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर 2019 बैच का प्रमोट रिजल्ट रुका पड़ा है। प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्कूटनी का रिजल्ट रुका पड़ा है। चतुर्थ सेमेस्टर स्कूटनी के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। तो मतलब दोस्तों अभी रिजल्ट की लाइन लगी है, बहुत से रिजल्ट देखने को बचे हैं। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर होगी, देखिए प्रमोट के लिए भी दोस्तों हमारा लगातार धरना चल रहा है। देखिए जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो जाता तब तक दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले दोस्तों ऐसा ही लग रहा था कि सभी छात्रों को बिल्कुल आराम से प्रमोट कर दिया जाएगा, बैक का पेपर होगा, लेकिन सचिव बदल गए, इनके तेवर बदल गए, एटीट्यूड बदल गया गाइस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले के करके आज के हम सारी अपडेट को आपके सामने रखते हैं। एक बात याद रखिएगा, 2022 दोस्तों आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, ठीक है, तो इस साल आप निराश नहीं होंगे, डेफिनेटली साल के अंत तक आप नौकरी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की हम अपडेट को आपके सामने रखते हैं। लखनऊ से पहले अपडेट, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 अभ्यर्थी मामला
से जुड़े बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर प्रशिक्षु घंटों तक यहां डटे रहे। प्रशिक्षु नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसके चलते पुलिस ने प्रशिक्षुओं पर बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सोचिए, बल का प्रयोग मतलब बच्चों को मारा पीटा जाता है, फिर पुलिस ने प्रशिक्षुओं को वाहनों में बिठाकर इको गार्डन भेज दिया। अगली अपडेट दोस्तों राजस्थान से निकल कर आती है। लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षकों के 32,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। राजस्थान में लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षकों के 32,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-21 रीट 2021 और 2021 में सफल अभ्यर्थी इन पदों के लिए 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने इस संबंध में 31 दिसंबर 2021 को जानकारी साझा की। आगे देखिए शिक्षक भर्ती आवेदन का शेड्यूल व अन्य विवरण। प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से जारी शिक्षक भर्ती नोटिस के अनुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021 और 22 के तहत अध्यापकों के 32,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके तहत लेवल 1 और लेवल 2 सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के पदों पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से श्रेणीवार रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2021 में प्राथमिक शिक्षक और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 11,940 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 3,560 पद भरे जाएंगे। तो दोस्त इसी प्रकार यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। और देखिए राजस्थान 32,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2022 से लेकर 9 फरवरी 2022 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये दोस्तों वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा कल लिए गए निर्णय की अनुपालना में आज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 32,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आवेदन फॉर्म की डेट दी गई है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान में उनकी सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करेगी। नव वर्ष 2022 के आगमन की पूर्व संध्या पर शिक्षक भर्ती का यह विज्ञप्ति बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की सकारात्मक सोच का परिणाम है। तो दोस्त ये अपडेट राजस्थान से हमें देखने को मिली। ये दोस्तों प्रेस नोट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो जो भी दोस्तों अपडेट होगी वो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल देखिए अगर हमारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का डेट शीट जारी होगा तो कुछ ऐसा ही डेट शीट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों आपको बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर देना पड़ता है जो कि 50-50 नंबर के होते हैं। बाकी विज्ञान का पेपर 25 नंबर का, गणित का पेपर 25 नंबर का, सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 नंबर का, हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर का पेपर हमारा 25 नंबर का होता है। 25-25 का मतलब ये मत सोचिएगा तीनों विषय का 25 का नहीं है, सभी विषय का पेपर 25-25 नंबर। और दोस्तों आपको बता दें अगर आपको डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए यूपी टेट सीटेट तो इस वेबसाइट को लिख लीजिए, याद कर लीजिए DELED DELED RESULT.COM। आप तो डीएलएड कर रहे तो कौन सी रिजल्ट की वेबसाइट देखनी है आपको, DELEDResult.com, ठीक है। बाकी दोस्तों कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो इससे देखिए थोड़ी सी दिक्कत हमारी यूपी टेट परीक्षा में आ सकती है। अगर केसेस बढ़ गए या उसके बाद शिक्षक भर्ती का जो हमारा विज्ञापन आएगा उधर भी दोस्तों दिक्कत आ सकती है पेपर कराने को लेकर, क्योंकि दुनिया में कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें यूएसए में 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केसेस कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, तो ये खतरे की घंटी है, ठीक है। तो गाइस लॉकडाउन की स्थिति फिर से बन सकती है, इसीलिए आप लोग तैयार रहिए, परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करिए, नहीं तो फिर से वही हो सकता है कि कोचिंग फिर से बंद कर दिए जाए। आपको तो ये पता ही है सबसे पहले कोचिंग स्कूल ही बंद किया जाता है। तो ये दोस्तों आप कोरोना के मामले देख सकते हैं, फ्रांस में 2 लाख से ज़्यादा मामले 24 घंटे में, यूके में 1,89,000 से ज़्यादा मामले, हमारे देश में दोस्त 21,000 से ज़्यादा मामले, और इंडिया दोस्तों अब भी कोरोना के मामले में दोस्तों दूसरे नंबर पर है दुनिया भर में, आप देख सकते हैं टोटल केसेस में, ठीक है। तो ये दोस्तों कोरोना की अपडेट हो गई। रीट का दोस्तों विज्ञापन आने से बच्चों में खुशी की लहर है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर डेट शीट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा विज्ञप्ति था। अब चलिए दोस्त वीडियो के अंत में कुछ और बातें कर ली जाए। हमारा जो डीएलएड का बैच पेपर है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर वो कब तक कराया जा सकता है? अब दोस्तों उम्मीद है कि हम लोग जनवरी में अगर अपना पेपर करा लेते हैं तो दोस्तों हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आ सकता है। अगर ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगी तो गाइस सिंपल सी बात है
जो उत्तर प्रदेश में भी 17,000 पदों पर वैकेंसी आनी है ना, उससे भी हम बाहर हो सकते हैं। 17,000 मिनिमम है और दोस्तों मैक्सिमम 97,000 पदों की हमारी मांग है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार भैया योगी सरकार क्या करेगी। लगातार दोस्तों अनवरत धरना लखनऊ में जारी भी है, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती की जो मांग है 97,000 पदों पर है, लेकिन 2019 बैच या 18 बैच या 17 बैच आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपका दोस्तों डीएलएड कंप्लीट होगा। अगर आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए प्लस आपका टेट का पेपर क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गाइस वैकेंसी आके निकल जाएगी, आपको आवेदन तक का मौका नहीं मिल पाएगा। याद रखिएगा कि आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी बैक लगी है उसको जल्द से जल्द आप उसको क्लियर करिए। बाकी यूपी टेट या सी टेट में से कोई एक परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। जो भी दोस्तों फेल छात्रों के लिए खबर आएगी हम उस खबर को आप तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है दोस्तों कि 2022 में आपके लिए गुड न्यूज जल्द से जल्द आएगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।